Today we have conducted the experiment. Today we are discuss about the experiment number 8 to prepare and submit 100 ml of 5% weight per volume dextrose infusion IV. इसमें हमें ये देखना है कि हम इस तरह से 5% W by week dextrose solution prepare कर रहे हैं 100 ml. ये जो कि ये इंट्रावेनस इंजेक्शन है, तो इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए कुछ डिटेल्स रहते हैं कि वो सोलुबलाइज होना चाहिए, सोलुबलाइज टोटली इन द सॉल्वेंट सिस्टम. तो इसमें जो कि हम सोलुबलाइज कर रहे हैं तो उसके लिए सॉल्वेंट सिस्टम लगना है. तो सॉल्वेंट सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं वो है वाटर. वाटर फॉर इंजेक्शन हम इसके लिए यूज कर रहे हैं. जो कि हम ये 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन 5% ही क्यों बनाया है, क्योंकि 5% जो डेक्सट्रोज सॉल्यूशन होते हैं वो आइसोटोनिक विद आरबीसी होते हैं. आइसोटोनिसिटी मींस व्हाट? आइसोटोनिसिटी बेसिकली आरबीसी का लाइसिस या उसका जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से जो लाइसिस होता है आरबीसी का वो नहीं होने देता है. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो कि हम प्रिपेयर करते हैं इन्फ्यूजन के लिए वो आरबीसी का हाइपरटोनिसिटी और हाइपोटोनिसिटी के वजह से जो लाइसिस होने होता है उसे प्रिवेंट करता है. जो कि हम डेक्सट्रोज का 5% डब्ल्यू बाई डेक्सट्रोज आईवी इन्फ्यूजन बना रहे हैं, तो 5% ही क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो आइसोटोनिक विद आरबीसी का आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड है, इसलिए हम 5% डब्ल्यू बाई वी डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं. अगर 5% बनाना है, परसेंट मीन्स होता है कि 100 के लिए कितना, तो इसके लिए 5% डब्ल्यू बाई वी है. डब्ल्यू मीन्स वेट. तो डब्ल्यू मीन्स वेट होता है, तो वेट इसलिए डब्ल्यू बाई वी मीन्स वॉल्यूम. तो डब्ल्यू का जो कंटेंट है वो हमेशा ग्राम्स में होगा और वी जो होगा तो वॉल्यूम कहते हैं उसे, वो एम एल में. तो जो कि ये परसेंट है तो ये होगा 5 ग्राम इन 100 ml. तो जो कि डेक्सट्रोज सॉल्यूशन 5% डब्ल्यू बाई वी जब हम कहते हैं तो उसको 5 ग्राम इन 100 ml जो कि आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड है वो हम इंट्रावेनसली प्रिपेयर करते हैं. तो इंट्रावेनसली प्रिपेयर करने के लिए हमें एक सॉल्वेंट सिस्टम चाहिए जो कि हम वाटर यूज कर रहे हैं. वाटर इसलिए यूज कर रहे हैं कि डेक्सट्रोज अनहाइड्रस सॉल्यूशन जो है, डेक्सट्रोज अनहाइड्रस जो कंपोनेंट्स है या कंटेंट है वो वाटर में टोटली सोल्यूबलाइज है, इसलिए हम वाटर फॉर इंजेक्शन यूज कर रहे हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ 5% डब्ल्यू बाई वी डेक्सट्रोज आईवी इन्फ्यूजन. एज वी नो दैट अनहाइड्रस पार्ट जो होता है, अनहाइड्रस जो भी होती है वो हाईली वाटर सोल्यूबल होती है, इसलिए जो डेक्सट्रोज का अनहाइड्रस पाइप है उसके लिए ये जो टोटली वाटर सोल्यूबल होने के कारण हमें कौन से भी टाइप का जो सोल्युबिलिटी एनहांसर है उसकी जरूरत नहीं है. सीधा हम वाटर में इसको डिजॉल्व कर सकते हैं अनहाइड्रस फॉर्म में हाईली वाटर सोल्यूबल. तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट है 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन प्रिपरेशन के लिए. तो इसमें हमें एक बीकर लगता है 250 ml का, उसके लिए उसके साथ स्टरर, बाद में फिल्ट्रेशन के लिए फनेल, देन मेजरिंग सिलेंडर फॉर मेजरिंग द 100 ml, आइदर इट इज 100 ml और नॉट, देन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन या उसके लिए सोडियम क्लोराइड हमें पाउडर लगता है जो कि NaCl है, उसका मॉलिकुलर वेट 58.44 है और ये पर्टिकुलरली प्रिपेयर किया गया लैब स्केल के लिए. तो ये सोडियम क्लोराइड हम इसके ये यूज करने हैं, ठीक है. दिस इज डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट सॉल्यूशन. इट इज हाईली वाटर सोल्यूबल, देयरफॉर इट इज डायरेक्टली एडेड इनटू द वाटर एंड शेक वेल, एंड देन इट इज टोटली डिजॉल्व, देयरफॉर वी कैन यूज डायरेक्टली एज अ इंट्रावेनस प्रिपरेशन एज अ डेक्सट्रोज. डेक्सट्रोज सोल्यूट है जो हमने 5 ग्राम वे किया है. 5 ग्राम इसलिए वे किया है कि वो आइसोटोनिक विथ आईवी फ्लूइड है और ये 5 ग्राम परफेक्टली हमने वे किया है. ये जो डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है वो स्लोली ग्रेजुअली ऐड करना है, एक साथ नहीं ऐड करना है. तो पहला पोर्शन जब तक पूरा डिजॉल्व नहीं हो जाता हमें उसे स्टर करना है और उसी के साथ हम ग्रेजुअली उसका एडिशन करते हैं. तो ग्रेजुअली एडिशन के साथ हम उसे डिजॉल्व करते हैं, टोटली एक साथ नहीं डालना है. तो ग्रेजुअली एडिशन के साथ उसे कंटिन्यूस स्टरिंग के साथ उसे डिजॉल्व करते हैं. जो कि ये मोनोहाइड्रेट है और हाईली वाटर सोल्यूबल है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसे हम स्लोली डिजॉल्व करते हैं ताकि उसमें क्लम्प्स फॉर्म ना हो और प्रॉपरली वो डिजॉल्व हो. तो एक पार्ट हमने जब डिजॉल्व किया है तो उसको हम मेजरिंग सिलेंडर में ऐड करते हैं कि ताकि हमें 100 ml तक उसे जब प्रिपेयर करना है 100 ml तक उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम उससे पहले ऐड करते हैं मेजरिंग सिलेंडर में, ठीक है. हमें वाटर के साथ उसे रिंस करना है और रिंस करके उसे 100 ml तक उसका जो वॉल्यूम है वो मेजर या
प्रिपेयर करना है, ठीक है, मेकअप करना है 100 ml तक। दिखा देखने का 100 ml प्रिपेयर करना है। फाइनली फाइनली हमने 100 ml प्रिपेयर किया है इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए सिंपली हमने वाटर फॉर इंजेक्शन लिया, उसमें सोडियम क्लोराइड, सॉरी वाटर फॉर इंजेक्शन में हमें डेक्सट्रोज ऐड किया है 5 ग्राम, उससे वो आइसोटोनिसिटी मेंटेन होती है। और बाद में हमने 100 ml तक उसका वॉल्यूम मेकअप किया है। वॉल्यूम मेकअप के बाद उसे हम फिल्टर करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल में जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है उसमें हम सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूजन बनाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूजन जब बनाते हैं हम, तो उसके लिए 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड हम यूज़ करते हैं ताकि वो आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूड हो जाए। तो यहाँ पे हमने 0.92 ग्राम लिया है। तो 0.92 इसलिए लिया है कि वो सेंसिटिविटी जो है बैलेंस की वो थोड़ा कम होने की वजह से हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लिया है, ताकि जो कि आइसोटोनिसिटी मेंटेनेंस हो प्रॉपर हो, नहीं तो ये 0.90 होना चाहिए प्रॉपरली। और उसे हम अभी वेक कर लिया है सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड 0.9 ग्राम से आइसोटोनिक है, इसलिए हम 0.9 ग्राम उसका वे किया है। जो कि हमने ये सोडियम क्लोराइड वे किया है उसे हम ग्रेजुअली स्लोली स्लोली बाय पार्ट उसे ऐड करते हैं, एक साथ नहीं ऐड करना है। तो पहला पार्ट जब तक डिजॉल्व नहीं होता है तब तक दूसरा पार्ट नहीं ऐड करना है। और वो यही है उसमें मेन चीज़ है कि उसमें हमें पहला पार्ट जब तक पूरा डिजॉल्व नहीं होता सेकेंड पार्ट नहीं ऐड करना है। तो सोडियम क्लोराइड स्लोली स्लोली ऐड हो रहा है और विथ कंटिन्यूस स्टरिंग, विथ कंटिन्यूस स्टरिंग के साथ उसे हम ऐड करना है ताकि वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए। और सोडियम क्लोराइड वैसे भी पूरी तरह से वाटर सोल्यूबल है और सॉल्ट फॉर्म में हाईली वाटर सोल्यूबल है, इसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। फिर भी उसे हमें टोटली डिजॉल्व करने के लिए विथ कंटिन्यूस स्टरिंग उसे ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए आप पूरी तरह से सोल्यूबलाइज्ड हो गया है ये, और उसे सोल्यूबलाइज्ड फॉर्म में हमें अभी करना था। तो वाटर फॉर इंजेक्शन NaCl के लिए सोल्यूबलाइज्ड हो सकता है, तो इसलिए हम उसे वाटर के साथ सोल्यूबलाइज्ड किया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रोसीजर जो है उसमें हम उसे फिल्टर करेंगे। फिल्टर के साथ हम 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन जो पहले भी बना है उसे भी फिल्टर करेंगे, एज वेल एज सोडियम क्लोराइड को फिल्टर करेंगे, ताकि आपको पता चले कि लैमिनार एयर फ्लो में किस तरह से फिल्टर करते और प्रोसीजर क्या होती है। तो सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूजन हमने इसमें मेजरिंग सिलेंडर में ऐड किया है, जो कि 50-60 ml के आसपास है। बाद में हमें उसे 100 ml तक वॉल्यूम मेकअप करना है वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ। वाटर फॉर इंजेक्शन हमने इसमें ऐड किया है अप टू 100 ml टू मेंटेन द वॉल्यूम। तो इसमें जो है ये असेप्टिक एरिया में जो लाफू है लैमिनार एयर फ्लो यूनिट, पिछली बार मैंने इसके बारे में बताया था फर्स्ट प्रैक्टिकल में। तो इसमें यूवी ट्यूब चालू करना है 15 मिनट के लिए, जो कि हम कर चुके हैं। तो 15 मिनट इसका टाइम हो चुका है, तो इसलिए पूरी तरह से स्टरलाइज्ड है, इसलिए हमने अभी ये यूवी ट्यूब का बटन बंद किया है, तभी हम इसका आगे का प्रोसीजर करते हैं। क्योंकि यूवी ट्यूब जो होते हैं या यूवी लाइट जो होता है वो हार्मफुल होता है स्किन के लिए, इसलिए बी श्योर यूवी ट्यूब शुड बी क्लोज्ड व्हेन यू वर्क इन दिस लैमिनार एयर फ्लो यूनिट। तो लैमिनार एयर फ्लो यूनिट में अभी हम इसको फिल्टर करेंगे, जो कि असेप्टिक एरिया मेंटेन करने के लिए हमारी हेल्प करता है। इसमें हम सिंटर ग्लास फिल्टर के साथ इसे फिल्टर करने वाले, ठीक है। तो वाटर फॉर इंजेक्शन और जो हमारा डेक्सट्रोज सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है वो हम इसे फिल्टर करने के लिए इसमें ऐड कर रहे हैं। ये सिंटर ग्लास फिल्टर है 0.2 माइक्रॉन उसका पोर साइज है, जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री और पार्टिकुलेट फ्री इंजेक्टेबल प्रिपरेशन में मदद करता है। यूट्यूब ना पता इसमें जो ब्लोअर स्टार्ट किया है, तो उसमें क्या होता है बाहर से कोई पार्टिकुलेट मैटर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री नहीं होती है, क्योंकि अंदर पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होता है। तो हमारा जो फिल्ट्रेशन जो मीडिया है या फिर फिल्टर जो कर रहे हैं हम इंजेक्टेबल, वो टोटली स्टरलाइज्ड होने में मदद होती है। ये पॉजिटिव प्रेशर जनरेट करता है। पॉजिटिव प्रेशर जनरेट करने की वजह से क्या होता है, जो इंटरनल जो माइक्रोब्स है वो बाहर से अंदर नहीं जाते, क्योंकि पॉजिटिव प्रेशर अंदर है एयर का ब्लो होता है, तो उसकी वजह से वो बाहर के पार्टिकल अंदर नहीं जाते। और हमारा जो फिल्ट्रेशन मीडिया या फिल्टर जो करने वाले इंजेक्शन, उसमें कोई भी कंटेमिनेशन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसमें हम 0.2 माइक्रोन फिल्टर के साथ हम इसे फिल्टर कर रहे हैं, जो कि टोटली लैमिनार एयर फ्लो यूनिट मीन्स असेप्टिक एरिया में हम उसे फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है।
अभी हम फिल्ट्रेशन जो फिल्टर हुआ है हमारा इंजेक्टेबल उसे हम हमारे जो फाइनल जो कंटेनर है उसमें हमें उसे फिल करना है। फाइनल कंटेनर में फिल करते टाइम हमें ये देखना है कि वो कौन सी भी तरह से बाहर के इन्वायरमेंट से कांटेक्ट ना हो, इसलिए हम पूरी तरह से वो लैमिनर एयर फ्लो यूनिट जो है उसी में हम उसे फिल कर रहे हैं। फिल करने के बाद हम उसे सील भी लैमिनर एयर फ्लो के अंदर ही कर रहे हैं ताकि हमें कौन से भी टाइप का माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री या पैथोजन की एंट्री उसमें ना हो। अभी हमने उसे सील कर दिया है और सील करने के बाद हम उसे बाहर निकाल सकते हैं ताकि वो पूरी तरह से स्टरिलाइज्ड फॉर्म में उसे हम प्रिपेयर कर चुके हैं। ये पूरी तरह से अभी स्टरिलाइज्ड फॉर्म में हमारा इंट्रावेनस प्रिपरेशन प्रिपेयर हो चुका है। जो कंटेनर है ये टोटली ऑटोक्लेव्ड है, पहले उसे हमने ऑटोक्लेव किया है, रबर क्लोजर भी ऑटोक्लेविंग के साथ है, इसलिए वो फुल फाइनली स्टरिलाइज्ड है, इसलिए इसमें कोई भी माइक्रोब का एंट्री नहीं हो सकता। देन अपन इसको जो इंट्रावेनस इंजेक्शन है उसको ऑटोक्लेविंग के लिए उसे प्लेस कर दिया है ताकि वो पूरी तरह से स्टरिलाइज हो। देन इसे प्रॉपरली क्लोज करना है, प्रॉपरली क्लोज करने के बाद उसको जो टाइटली क्लोज करना है क्योंकि ये हाईली वेपर और प्रेशराइज्ड चेम्बर है, इसलिए उसे प्रॉपरली क्लोज करना ज़रूरी है। 20 मिनट्स हमने क्या किया, इसे रिमूव किया है, ये 20 मिनट्स के लिए 121 डिग्री सेल्सियस के लिए इसे रखना है ताकि वो पूरी तरह से स्टरलाइज्ड हो। उसका जो होल्डिंग प्रेशर है वो 50 lbs 50 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच उसका आना चाहिए और 121 डिग्री सेल्सियस के लिए हम उसे 20 मिनट्स के लिए रखते हैं ताकि वो पूरी तरह से स्टरलाइज्ड हो और जो हमारा फाइनल जो है प्रिपरेशन स्टरलाइज्ड है। अब हम इसे ओपन कर रहे हैं, ओपनिंग के बाद उसका जो वेंट्स है वेंट्स ओपन किए हमने, उसके वजह से क्या हुआ है पूरी तरह से उसकी स्टीम बाहर आ गई है और हम उसे टोटली ओपन कर रहे हैं। ये हमारा इंट्रावेनस जो इंजेक्शन है वो पूरी तरह से स्टरलाइज्ड हो गया है। तो ये जो है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है इंट्रावेनस इंजेक्शन के हम चेक करते हैं। अगर वाइट कोई ब्लैक पार्टिकल होता है तो वो वाइट बैकग्राउंड के पीछे हमें प्रॉपरली समझ आता है कि कोई ब्लैक पार्टिकल तो प्रेजेंट नहीं है, और ब्लैक बैकग्राउंड जो है इसमें वाइट पार्टिकुलेट जो मैटर्स है वो हमें पता चलते हैं कि है या नहीं। अगर वो पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इस टाइप में हम एम्प्यूल क्लैरिटी टेस्ट इक्विपमेंट है, वाइट पार्टिकल या वाइट बैकग्राउंड के पीछे हम ब्लैक पार्टिकल्स या कलर पार्टिकल्स देखते हैं और ब्लैक बैकग्राउंड के पीछे हम जो वाइट पार्टिकुलेट मैटर है वो कॉन्ट्रास्ट में हम चेक करते हैं कि ताकि उसमें कोई पार्टिकुलेट मैटर तो नहीं है, ये चेक करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट उसका लेते हैं। तो जो इंट्रावेनस प्रोसीजर है या इंट्रावेनस फॉर्मुलेशन की स्टरिलाइजेशन की प्रोसीजर है जो ऑटोक्लेव की, वो हर इसके लिए नियर अबाउट सेम होती है, और जो कि उसमें ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर है 121 डिग्री सेल्सियस का वो सेम करते हैं हम मेंटेन। तो इसके साथ हम सब सोडियम क्लोराइड हो या गैसियस सॉल्यूशन हो प्रोसीजर जो ऑटोक्लेव की वो सेम होती है। सोडियम क्लोराइड 0.9% WBV as well as dextrose 5% WBV solution was prepared, labeled and sterilized as well as submitted.